हेलो दोस्तों, आज हमारे ये जो ट्रक वायरिंग की बेच चल रही थी, ट्रक वायरिंग और ECM की बेच चल रही थी, आपका कितना वेटिंग है? थोड़ी यहाँ पे हाईवे है तो साउंड की प्रॉब्लम है, शायद आपको क्लीन साउंड नहीं सुनाई दे रही। तो यहाँ पे मैं देखो, ये झंडा मोटर में हम लोग आए, तो उसके पास अशोक लेलैंड का BS6 ट्रक आया, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम मैं स्टूडेंटों से सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं पहले जनता गैरेज वाले भाई से कि क्या प्रॉब्लम है, उससे बात करते हैं, फिर बाद में आपको ट्रक पे जाके हम लोग काम करते हैं। हमारे ट्रक में सर प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी दब रही थी राइट, और गाड़ी गर्म थोड़ी हीट हो रही थी। क्या हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं? ये ब्लिंक कर रही है, आ रही है, ब्लिंक कर रही है। आई डायग्नोसिस हो गया हमारा, आई डायग्नोसिस तो कर लिया इन लोगों ने बहुत स्मार्ट तरीके से, तो उसको चेक लाइट का वो सब पता चल गया। अभी वो जल टेस्ट से ये लोग कर रहे हैं डायग्नोसिस। तो यहाँ पे देखिए, पहले जैसे गाड़ी स्टार्ट हुआ तो कुछ अजीब सी साउंड आई, अभी क्या देखते हैं क्या एरर है। अभी हम जल टेस्ट के होम पेज पर आ चुके हैं, अभी हमारा गाड़ी अशोक लेलैंड का है, अभी हमें को अशोक लेलैंड ट्रक में जाने का। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इसका ECM है MD1 का, ये हमारा ECM कनेक्ट हो चुका है गाड़ी के साथ, अब इसका फॉल्ट कोड रीड करेंगे हम। ये इसमें दो फॉल्ट कोड आ रहे हैं, एक हाई इनलेट इंजन और फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट, और एक अपना कोड आ रहा है प्रेशर रेगुलेशन वॉल ऑफ इंजेक्शन रेल कंपाउंड स्टक इन ओपन पोजीशन, फ्यूल टेंपरेचर टू हाई। अभी हम इसको क्लियर करेंगे फॉल्ट कोड को एक बार, ठीक है? तो एक्शन में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको इसके बारे में। देखो, ये फॉल्ट कोड दो आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दो फॉल्ट कोड आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग DTC, नंबर ऑफ DTC। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें दो फॉल्ट कोड आ रहे हैं, मतलब दो फॉल्ट है, लेकिन हमारे लिए दो फॉल्ट है। तो यहाँ पे आपको दो फॉल्ट दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ DTC, मतलब जो फर्स्ट फॉल्ट कोड आना आ रहा है, उसको आपको पहले रिपेयर करना है। जैसे आप फर्स्ट फॉल्ट कोड को रिपेयर करोगे तो दूसरा फॉल्ट कोड अपने आप चला जाएगा, उसको रिपेयर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ DTC। तो नंबर ऑफ DTC में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, फर्स्ट फॉल्ट कोड को देनी है, फिर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेकंड फॉल्ट कोड पे करते हो काम तो दिक्कत हो जाएगी, वो फॉल्ट कोड आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका है ही नहीं, वो रेल के प्रेशर के हिसाब से दूसरा फॉल्ट कोड क्रिएट हो रहा। तो आप देखिए, अभी बोनेट खोल के रेल प्रेशर सेंसर को ठीक करके मुझे दिखाइए। आपको कितने दिन हो गया है ट्रेनिंग लेते हुए ये वायरिंग में? कितना ट्रेनिंग लेते हुए हमारा कम से कम 20 दिन हो गया है। कितना खुश हो? नहीं, हम बहुत खुश है सर कि जो फॉल्ट कोड हम निकालेंगे आज, वो पहले हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा आपके साथ, और हम बहुत ज़्यादा खुश है कि हमसे हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो बोनेट खोल के मुझे आप जो रेल प्रेशर का है उसमें वायरिंग में है, सेंसर में है, तो सेंसर ला के तो हम ढूंढ लेंगे, ढूंढ लोगे ना 100% कोड के हिसाब से हम ढूंढ लेंगे। अभी मैंने वापस निकाल के फिर से बिठाया है, और एक बार हम फिर से डायग्नोस्टिक करेंगे, इधर था बराबर राइट, उसमें तार बार कुछ टूटा हुआ नहीं? नहीं, वो मैंने देख लिया, लेकिन लूज कनेक्शन लगा, क्लियर कर दिया, पीछे नहीं आया, क्लियर हो गया, नो फॉल्ट पड़ा है। अभी फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखना पड़ेगा कि फॉल्ट कोड जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। क्लियर कर दिया था आपने, एक बार फिर अभी कपलर लगाया आपने, वो कपलर लूज था जैसे विजय भाई बोल रहे हैं, एक बार फॉल्ट कोड देख लेते हैं रीड करके, अभी कोई फॉल्ट कोड आ नहीं रहा है आपको। अभी एक बार गाड़ी स्टार्ट करके अपन चेक करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वापस स्कैन करोगे, ठीक है? देखिए, अभी इसका एक साउंड का प्रॉब्लम था और हीटिंग का प्रॉब्लम था, हीटिंग का प्रॉब्लम, कूलेंट का भी चेक करना पड़ेगा, शायद कूलेंट का भी इश्यू हो सकता है। चला गया एरर चला गया, और साउंड में भी बदलाव आया है। अभी साउंड पहले जो स्टार्ट करते थे तो गाड़ी नॉकिंग करता था, अभी साउंड निकाल रहा था, अभी परफेक्ट साउंड, परफेक्ट साउंड है ना अभी, परफेक्ट साउंड है, ऑलमोस्ट आपका फॉल्ट क्लियर हो गया। अभी एक बार रीड करके देखते हैं, कभी गाड़ी स्टार्ट करिए, फॉल्ट जनरेट होता होगा,
तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी ठीक हो चुकी है। पहले मैं सीखा नहीं था, हाँ इससे पहले मेरे ऐसा फॉल्ट होने में बहुत टाइम लग जाता था, फिर भी कभी कभी नहीं होता था। बराबर राइट। स्कैनिंग करने के बाद मुझे बहुत इजी लग रहा है। ट्रेनिंग की जरूरत है और स्कैनर की जरूरत है। स्कैनर की जरूरत है और बहुत जरूरत। अगर खाली स्कैनर ले लोगे तो काम नहीं चलने वाला है, और खाली ट्रेनिंग ले लोगे तो भी काम नहीं चलने वाला, तो आपको ये दोनों साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अभी देखिए, ये आपने ECU का किया था कनेक्ट, लेकिन मुकिन भाई बोल रहे थे कि कुछ दूसरा भी ABS का लाइट शो हो रहा है। हाँ, वो भी चेक करते हैं। तो आप अभी फिलहाल तो बॉनेट बंद कर दीजिए और ABS का देखिए स्कैन करके कि क्या प्रॉब्लम है, और उसको भी ठीक कर सकते हो आप क्या? अभी हमने रेल प्रेशर का फॉल्ट था उसमें वो क्लियर किए, और दूसरा फॉल्ट है इसमें ABS का। अब हम स्कैनर में देखते हैं इसका फॉल्ट क्या शो हो रहा। जैसा हमने देखा था इग्निशन पे अपने को लाइट दिखा रहा था ABS का, अब इसके अंदर दो फॉल्ट कोड रीड हो रहा है, एक व्हील सेंसर ABS एक्सेल 2 राइट, करंट ब्लो नॉर्मल और ओपन सर्किट, और दूसरा फॉल्ट कोड शो हो रहा है हमको व्हील सेंसर ABS एक्सेल 2 लेफ्ट, करंट ब्लो नॉर्मल और सर्किट। अब इसके ऊपर हमको ABS के जो भी कनेक्शन है उसके ऊपर काम करना है, जो फॉल्ट कोड से अपने को डिस्प्ले भी शो हो रहा है। तो जैसे आप फॉल्ट कोड देखो, फॉल्ट कोड के बाद आपको स्टेटस देखना पड़ेगा इसका, जो स्टेटस है क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको रिपेयर करने के बाद ही वो ऑटोमेटिकली हिस्ट्री में चला जाएगा। हिस्ट्री में चला जाने के बाद आप डिलीट कर सकते हो, हिस्ट्री में या पेंडिंग में जाते हैं तो डिलीट कर सकते हो। ओके सर। एक कोड चला गया है, एक कोड अभी बाकी है। तो यहाँ से वायर डैमेज हुआ लगता है, ये कमाल के करने के टाइम, मतलब ये वायर अंदर से ब्रेक हो सकती है, मतलब वायर खींचे तो अंदर से क्रैक हो गई हो रहेगी। उसको काट के मल्टीमीटर से पहले देख लो, फिर काट के अगर ठीक कर सकते हो तो कर दीजिए। इन लोगों ने ABS का फॉल्ट ढूंढ लिया है और वायरिंग में प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट कर दिया। अभी ये लोग स्कैन मार रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग गया, कम से कम एक घंटा लगा था उसको फॉल्ट ढूंढने में, लेकिन आखिर में कर दिया। अभी स्कैन करते देखते कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। उन लोगों के लिए हो गया है फॉल्ट कोड क्लियर। देखो यहाँ पे ये इनएक्टिव आ गया, नहीं तो रेड कलर रहता तो एक्टिव होता। ठीक है, बराबर। हाँ ठीक है, नो फॉल्ट कोड चालू करने के बाद ओके।